करिश्मा, आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुक करते हैं खबर का। सरकार ने कोरोना के मुद्दे पर आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, यानी कि सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। बैठक में कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त है। अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद जाकर मैंने देखा कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर तैयारियां कैसी हैं। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में हुआ है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि वैक्सीन के लिए ज्यादा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। पीएम के मुताबिक पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इस पर भी केंद्र राज्यों के सुझावों पर काम कर रही है। हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि वैक्सीन कंपनियों से चर्चा के बाद पीएम मोदी की ये पहली बैठक है। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। चलिए, तो ये राहत भरी खबर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं और एक राहत जरूर मिली है कोरोना काल के बीच। बंसल न्यूज़ से शरद द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। शरद जी, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और जिसका इंतजार है, उम्मीद की किरण जिसे हम कह रहे थे, वैक्सीन, वो जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। किस तरीके से आप इसे देखते हैं और भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी? देखिए करिश्मा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और चुनौती इसलिए है कि भारत में जो वैक्सीनेशन होता है वो गर्भवती महिलाओं को और बच्चों का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है। एडल्ट वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमने हाथ में नहीं लिया है। दुनिया के दूसरे देशों में इन्फ्लुएंजा के लिए जरूर एडल्ट वैक्सीनेशन होता है जी। लेकिन भारत में एडल्ट वैक्सीनेशन का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि भारत में 6 से 8 जो वैक्सीन्स हैं उनको लेकर मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस भारत में चल रही है, और प्रधानमंत्री ने हाल ही में पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद का विजिट भी किया था और उन्होंने इन तैयारियों की समीक्षा की थी। और इसमें हमारी इंडिजिनस यानी हमारी भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से जो निर्मित की जा रही है वैक्सीन, उसकी तैयारियां भी हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत की भी वैक्सीन क्या उभर कर सामने आती है जी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। कोरोना के खिलाफ अगर हम लड़ाई की बात करें तो केंद्र सरकार ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और अब तक अगर हम आंकड़े देखें तो 95 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं देश में, जिनमें से 90 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं और करीब 4.25 लाख लोग ऐसे हैं जो इस समय कोरोना का सामना कर रहे हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, और करीब करीब 4,39,000 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है जी। और हमारा रिकवरी रेट दुनिया में काफी टॉप पर है, और हमारी मृत्यु दर दुनिया के विकसित देशों में, अमेरिका जैसे देशों की तुलना में हमारे यहाँ काफी कम मृत्यु का आंकड़ा रहा है। हमारे अस्पतालों ने, हमारे मेडिकल स्टाफ ने काफी अच्छी तैयारी दिखाई है। अभी तक जबकि हम दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं देश के कुछ हिस्सों में, हमारे यहाँ हमने देखा कि पैनिक सिचुएशन अभी तक नहीं हुई, और इसका श्रेय सरकार की तैयारियों को, हॉस्पिटल्स की तैयारियों को, पैरामेडिकल स्टाफ की तैयारियों को जाता है जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वैक्सीनेशन का एक बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि वैक्सीनेशन के साथ जो चीजें जुड़ी रहती हैं वो चीजें जुड़ी रहती हैं कि उसकी रिपोर्ट्स का अध्ययन भी किया जाता है। और भारत एक बहुत बड़ा देश है, और सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी वैक्सीन हमें मिलेगी उसकी कोल्ड चेन की क्या स्थिति है जी। अगर वो
मॉडर्ना की है या फिर वो फाइजर की है, तो उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती होगी। और अगर हम कुछ एस्ट्राजेनेका जो है ऑक्सफोर्ड लंदन की, वो जरूर भारत की कोल्ड चेन के मुताबिक है, लेकिन कोई वैक्सीनेशन जब हमें लगती है तो हम कुछ दिन तक उसकी निगरानी करते हैं, उसकी रिपोर्ट्स हम लेते हैं कि उसके बाद कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हुआ शरीर पर, बुखार तो नहीं आ गया, कोई किडनी पर असर तो नहीं आया, हार्ट पर असर तो नहीं आया। तो इन सारी चीजों का डाटा इकट्ठा करना, मेंटेन करना, हालांकि आरंभिक तौर पर सबसे पहले ये मेडिकल स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को, फिर बुजुर्गों को, और उसके बाद आम आदमी तक पहुंचेगी, लेकिन इन सारे डाटास को मेंटेन करना और इन डाटास को मेंटेन करके उनका आंकड़ा रखना। और भारत एक ऐसा देश है कि हम देखते हैं कि कई बार बच्चों को जब वैक्सीनेशन होता है ट्राइबल इलाकों में या ग्रामीण इलाकों में और किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसका कारण वैक्सीनेशन नहीं होता, लेकिन पूरे गांव में वैक्सीनेशन लगना बंद हो जाता है। लोग कहते हैं इस वैक्सीनेशन से ही मृत्यु हुई है, हम नहीं लगवाएंगे। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं अभी आगे वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जैसा एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया साहब ने एक दिन पहले कहा है कि भारत में भी जनवरी के दूसरे सप्ताह तक संभावना ऐसी बात की है कि वैक्सीनेशन के ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। जी, तो चलिए अच्छी खबर है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि चुनौतियां काफी रहेंगी, लेकिन किस तरीके से अब उस पर तैयारियां होती हैं ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन आ जाएगी, एक राहत भरी खबर। आज वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, पीएम मोदी ने कहा है वैज्ञानिक सफलता को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त हैं, लेकिन जैसा कि क्राइटेरिया रखा गया है कि वैक्सीनेशन अगर आती भी है तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन दी जाएगी और फिर ही आम आदमी तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। तो थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, और ये एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।